आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। का एक बार फिर से बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम पब्लिक और सरकार। इस कार्यक्रम के जरिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव के जरिए जो जनता है उससे वोट मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विकास हुआ है, विपक्षी कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने काम किया, अब मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने जो काम किया वो विपक्षी कर ही नहीं सकते थे अपनी सरकार में। तो इसी वादे और दावे की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है, अलग अलग जिलों में जा रही है, और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब विधानसभा में। इस विधानसभा का ये, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस गांव को रोशनाबाद कहते हैं। कई सारे तालाबों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, बख्शी के तालाब की भी अपनी कहानी है। कहा जाता है कि एक राजा को अपनी सेना के लिए हाथी खरीदने थे और उन्होंने अपनी जो सैनिकों की टीम थी, जो गुट था, उन्हें नेपाल भेजा था कि जाओ वहाँ से हाथी ले आओ, और वो पूरी जो यूनिट थी, पूरी जो टीम थी, पूरा जो गुट था, उसने पहली बार ठहराव किया था इसी जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर एक तालाब बनाया गया था और उसे बख्शी का तालाब बोला जाता है। फिलहाल इस विधानसभा का समीकरण अगर आपको बताएं तो यहाँ से मौजूदा विधायक बीजेपी से है, अविनाश त्रिवेदी उनका नाम है। उसके पहले यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है, लेकिन जब से बीजेपी यहाँ से मजबूत हुई है तब से जो बसपा का वोटर था वो बीजेपी में आ गया। कहा जाता है कि इस गांव में एक लंबे समय तक लाइट नहीं थी, बत्ती नहीं आती थी, लेकिन बसपा सरकार में मौजूदा विधायक, तत्कालीन विधायक नकुल दुबे, और मंत्री भी थे वो, इस बार बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल हैं, उन्होंने इस गांव में गाँववासियों को बत्ती दी थी, बिजली यहाँ पर आई थी, ट्रांसफार्मर लगवाया था। लेकिन उसके बाद बसपा और सपा का जो वोट बैंक है वो थोड़ा थोड़ा खिसकते गया, और अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो यहाँ की जनता का ज़्यादातर बीजेपी पे है। SC वोट बैंक यहाँ पर ठीक ठाक है, पिछड़ा वोट बैंक ठीक ठाक है, और बाकी जो प्रमुख जातियाँ हैं उनका वोट बैंक भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा SC है, और इसी वजह से पहले बसपा का यहाँ पे, सपा का यहाँ पे ठीक ठाक बोलबाला रहा है, लेकिन अब वो सब छिटक के बीजेपी की तरफ चले गए हैं। इस बार क्या माहौल है इस गांव में, हम जानेंगे, इस गांव से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन सबके पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सामने आंगनबाड़ी केंद्र है, देख लीजिए हालात। आंगनबाड़ी केंद्र है राजधानी लखनऊ से सटा हुआ बख्शी का तालाब विधानसभा, प्रमुख विधानसभाओं में से एक, बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से, और उसके पहले सपा के और बसपा के विधायक भी रहे हैं, विधायक मंत्री भी रहे हैं नकुल दुबे जैसे, और ये आंगनबाड़ी है। आइए गाँव की तरफ चले और जाने समझे कि आखिर स्थिति, माहौल क्या है, समीकरण क्या है, और बाकी चीजों को भी देखा जाए कि आखिर क्या कहती है यहाँ की जनता। यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा साफ सफाई वाला मामला भी यहाँ ठीक ठाक नहीं है, बीमारियां फैली हुई हैं, कोरोना जैसी बीमारी, महामारी फैली हुई है, और ये जो नाला वाला है ये लगातार यहाँ पे बह रहा है। लोगों से बात करना ज़रूरी है विधानसभा बख्शी का तालाब में। मैं जिस गांव में हूँ, इस गांव के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो वोट बैंक था पहले वो बसपा के पास था, फिर सपा के पास आया, और उसके बाद छिटकने के बाद ये बीजेपी के पास आया। नमस्कार, मैं नितिन हूँ प्राइम टीवी से। मैं चुनाव है, आप लोग के पास भी कई सारे नेता आते होंगे बताने के लिए कि वोट दे देना इस बार हमें, स्थिति क्या है इस बार इस विधानसभा की या आपके गांव की, बेहतर हुई है पहले से, स्थिति सुधरी है या फिर बदतर हुई? कुछ भी नहीं हुआ, देखिए रोड के बारे में ये सब आपस में लोग लड़ाई करते हैं, और नाली वाली देखिए, ये सब नाली भी नहीं बना हुआ है। मौजूदा विधायक बीजेपी से है, सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है,
हम फिर से रिपीट कर जाएंगे, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे, क्यों नहीं, जब नाली वाली सुधारेंगे, रोड बनवाएंगे तो काहे नहीं। महंगाई उंगाई ठीक ठाक है, चल रही सब? महंगाई का महंगाई भी है और क्या बताए, अब चलाना ही पड़ता है, महंगाई हो या जो भी हो। किस क्या सोच कर क्या समझ कर वोट देंगे इस बार? अब क्या बताए, क्या सोच कर वोट देंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि है कुछ समस्याएं विकास को लेकर के, रोड को लेकर के, और जिस समस्या को लेकर मैंने शुरुआत की थी कि नालों की समस्या, क्योंकि मैं आया हूं तो मैं देख खुद रहा हूं यहां पर कि जो नाले हैं वो लगातार बह रहे हैं, और वो बात जो है वो पहुंचना जरूरी है जो यहां पे नेतृत्व कर रहे हैं लोग। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। मैं आया हूं क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कई सारे नेता आपके पास आते होंगे, जानने की कोशिश बताने की कोशिश करते होंगे कि हमने बेहतर कर दिया, कहा जा रहा है योगी जी का काम बोल रहा है इस बार, रिपीट करेंगे? सर काम क्या, काम ऊपर से है लेकिन नीचे स्तर पे कुछ नहीं है, और ये जो मेरा गांव पड़ता है रोशनाबाद और पुष्ट गहला लगता है, इसमें तीन गांव आते हैं, और सर इसमें आज तक ये लखनऊ से सटा हुआ है बिल्कुल राजधानी से, और आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ना सरकारी विद्यालय की साफ सफाई मेंटेनेंस है, आंगनवाड़ी जर्जर पड़ा हुआ है यहाँ का, यहाँ की नालियाँ साफ सफाई नहीं होती। आप लोगों ने हर बार यहाँ पे नेताओं को सीख सिखाई है, पहले तो बसपा नकुल दुबे थे, समाजवादी पार्टी का भी दबदबा ठीक ठाक रहा, जब आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप लोगों ने बीजेपी के विधायक को जिताया, लगा कि बेहतर होगा, तो कुछ उस समय से इस समय में कोई बदलाव? बदलाव कोई नहीं सर, आते हैं लोग कहते हैं लेकिन काम नहीं होता है यहाँ पे, चुनाव के टाइम आते हैं कहते हैं कि ये करेंगे लेकिन उसके बाद सर कुछ होता नहीं, और खासकर इस यहाँ पे तो कभी हुआ ही नहीं है। स्कूल पढ़ाई लिखाई बच्चों की? पढ़ाई लिखाई क्या कर, वो सर बंद रहता है, कोई उसके अंदर जा ही नहीं पाता है विद्यालय में, और विद्यालय की हालत बहुत खस्ता हाल है। ठीक है। चचा क्या करते हो? अरे हम क्या काम धंधा कर रहे हैं। कैसा चल रहा काम धंधा? काम धंधा कैसा चल रहा, घर कैसा चल रहा है? काम धंधा का चल रहा उल्टा सीधे से, अब तो बहुत दिक्कत तो है। कब उठती हो आपकी? अरे वाट देखो कोनो दिन तो जीबे करी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल का अब दुनिया कहते हैं, अब नाली पाली सब सब परी हैं, कहूँ लंग कोई काम है नहीं होता। काम किए खुश हो उनसे? अरे कहाँ काम किए, काम किए होते तो नाली वाली बननी ना होते। तो एक समस्या सबसे प्रमुख यहाँ बताई जा रही है कि नालों को लेकर के, और मैं वो दृश्य भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता है ये पूरे रास्ते पर जो नाली का पानी है वो बह रहा है। भाई साहब क्या नाम है, क्या करते हैं? जी ओम प्रकाश नाम है। अच्छा ये गांव है जैसा अभी मैं देख भी रहा हूँ, और बहुत बेहतर काम भी नहीं यहाँ पर हो रहा क्योंकि आप लोग शिकायत कर रहे हैं। एक चीज पूछनी थी, किसानी उसानी का क्या सिस्टम है यहाँ पे, कैसी है किसानी? सर किसानी यहाँ पहली बात तो जो थोड़ी बहुत लोगों के पास थी भी वो भी समाप्त हो गई। बेच दिए धीरे धीरे करके। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए सब कुछ बेहतर कर रहे हैं तो फिर काहे जमीन बेच रहे हो? अभी कहाँ बिकी, वो पहले बहुत पहले बिक गई थी सर, कंपनी वालों ने ले ली, और बाकी जो है मेहनत मजदूरी। काम धंधा कैसे क्या चल रहा है? काम सर एक दिन लगता है, चार दिन घर में बैठते हैं। अच्छा मेहनत मजदूरी बस जो भी मिल जाए। महंगाई उंगाई इतनी है, कुछ उससे स्थिति सुधर रही है, बेहतर है कुछ पहले से? सर बेहतर क्या, 350 रुपये मजदूरी चल रही है, 200 रुपये में तेल है, 100 रुपये 150 रुपये में दाल है, महंगाई तो चरम सीमा से छू रही, जितने दिन काम लगता है उस दिन बैठता है। अब मान लीजिए जैसे राशन दे भी रहे हैं लोग, राशन दे भी रहे हैं फ्री में, तो गेहूं और चावल से काम नहीं चलेगा सर, और भी तो कुछ चाहिए उसके लिए। तो कह रहे हम चना भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं। चना भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कभी किसी महीने में मिलता है, किसी महीने में तेल मिलता है, किसी में चना मिलता है, किसी में दाल मिलता है। तो अब ये बताइए सर कि एक किलो मिलता है, 5 सदस्य हैं मान लीजिए, तो एक किलो में एक महीना 5 सदस्य खा लेंगे। अब ये सरकार से पूछा जाए, अब हम लोगों को क्या बीत रही है, अब वो तो नहीं जानते, वो तो जानते, हम तो दे रहे हैं। हमारा जो मुखिया मेन था, राशन कार्ड लाल कार्ड मेरा था, तो उसमें से मेरे मेन मुखिया का नाम का हटा दिया गया, मेरा नाम हटा दिया गया, केवल मेरे एक बच्चे का नाम उसमें जोड़ा गया,
और बाकी राशन कार्ड भी हमारा समाप्त कर देने वाले थे, फिर हम दौड़ धूप के एक बच्चे का नाम किसी तरीके से जुड़वा पाए और बाकी अभी मुखिया का नाम तक नहीं जुड़ा उसमें। जी शिकायत नहीं करे कहीं ये सर? शिकायत कुछ बताया ये यहाँ का क्या हाल है जहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ साफ सफाई, बिजली, पानी, स्कूल, परीक्षा? साफ सफाई सर आपके सामने है देखिए, और यहाँ कुछ होता ही नहीं, ना कोई आता है ना जाता है, कोई नहीं आता है, बस वही आता है जो बड़े बड़े लोग हैं। अब जैसे यहाँ के गहला ग्राम प्रधान हैं, जो भी अधिकारी आता है तो बस वही हाजी लगा के चला जाता है अपना। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाते हो बताओ? कपड़े बेच रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं? ऐसा चल रहा है अब भैया? ठीक है, रोजी रोटी पर चल रही है। ये सब बता रहे हैं कि गाँव में कोनो काम है नहीं बाबा? अब भैया गांव वाले जाने, हम तो रहे थे अपने घर में, यहाँ खुदान पर रहे थे, अब आई जाते हैं, हमका का पता काम भा कि नहीं कहाँ रहा था ये गौर भीट के विधानसभा हमारे यहाँ लागत है। माहौल है अब की बार? माहौल का अब ठीक है, और का है कहाँ वोट उठ पड़ेगा? वोट यार अब जाखो झूठ बोलब नहीं हो है योगी ही लालब तीन फिर। अच्छा खुश हो मतलब बाबा महाराज जी से? तुमका बता दिन है, प्रयास करो ठीक है, लेकिन या उनकी वह बता रही भावना बस। मुख्यमंत्री जी के काम से, सरकार के काम से, सरकार की योजना से बेहतर है सब कुछ? बेहतर है भैया, हमका देखो सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चन के राशनों मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमका। अच्छा। हाँ रोजी रोटी चल रही है, अब तक ठीक चलते रहे, ऐसे चल ठीक है सब कुछ, सब कुछ पढ़ाई लिखाई बच्चन की सब ठीक ठाक? बच्चन पढ़ाई तो अब फिर बंद हो गए, तो लेका की तो करोना है ना, वो तो बंद रहे, वही के लिए कोई का करे, वो तो सबके लिए बंद। मतलब आएंगे महाराज जी? महाराज जी तो वही करें, जय श्री राम का नारा है तो सबका अपना अपना। श्री राम है तहां पर यार, तुम बताओ हार है कहूं पर? वो बताओ, हम थोड़ी ना कह रहे जय श्री राम के, कहूं पर हार भय है संसार में। आपके साथी खड़े थे, ये कह रहे हैं कि हमको योजनाओं का लाभ नहीं वो मिले कोई ना, लेकिन जहां भगवान के छाया हुआ कोई नहीं हार सकता। तो जहां भगवान की छाया है वहां कोई नहीं हार सकता है। चची कैसा चल रहा है गाँव घर खर्चा? गाँव घर खर्चा का भैया दुखी बीमारी लागे से कहूँ गे तो गे, नहीं गे तो कोई बात नहीं, से घर हम रहते हैं रोजी रोटी को। राशन वोशन दे रही है उससे फायदा है? हाँ राशन भैया दुई दा तीन मिला है बच्चन कहीं है। कहे बोली और बस ये गाँव ना सड़क सही है ना नाली सही है कोई चीज नहीं। बस तो चाहती मुख्यमंत्री बने अब ऊपर वाला चाहिए सब जो को है बन जाए। आइए थोड़ा इधर गांव की तरफ भी चलते हैं और अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। रास्ता जो है वो बहुत ठीक नहीं है, सफाई नाला विकास की पोल खोलता हुआ ये रास्ता जा रहा है और हम इस रास्ते पे अंदर जा रहे हैं। तुम लोग पढ़ने लुढ़ने जाते हो? सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती है? आजकल तो स्कूल बंद है, कैसे पढ़ रहे हो? अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई जानते हो कुछ? नहीं पता। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पता है, ये स्थिति है। ऑनलाइन पढ़ाई का भी मामला ठीक नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि जहां पर रास्ते नहीं ठीक है वहाँ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में क्या ही पता होगा। आप लोग, हाँ मैं वही आ रहा था, वही बात करूंगा आप लोगों से, क्या इसकी शिकायत वकायत नहीं होती भैया? जो कोई आता नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं है। जी को आप लोग ने वोट दिया है, जिताया है? वोट तो दिए हैं सब लोग, जने जने दिए हैं, घर के जितने लोग हैं, तो जब कोई सुनवाई नहीं तो क्या करे? देखो मच्छर बनकर सोवे नहीं देती है रात का, इतनी बच्चे बीमारी घर है बताओ, तो क्या करे? अधिकारी अधिकारी कोई कुछ कोई इधर सुनवाई नहीं, कोई इधर आते नहीं है, उधर बल बन गई है, नहीं आता है। क्या आप लोग बुलाते नहीं होंगे? आप लोग कहते होंगे सब कुछ ठीक है। अरे ठीक तो देखने वाला खुद ये बता देगा, नहीं जब घर कोई नहीं आएगा तभी तो पता चलेगा। सब लोग उधर शिकायत करी कभी? शिकायत किससे करें? इधर आए तब तो शिकायत करें, नहीं जब इधर कोई आए तभी तो शिकायत करेंगे, जब इधर आएगा नहीं, जब उधर ही आते हैं उधर ही चले जाते हैं सब लोग। और क्या चल रहा है माहौल, किसको वोट बनेगा इस बार?
और चा कैसा चल रहा है, महंगाई कैसी चल रही, खुश है महंगाई से? ज्यादा है महंगाई तो, महंगाई खाली मोदी राशन के लिए, खाली राशन मिल रहा है और का राशन पा रही ना, तो राशन मिल रहा है, राशन खाली थोड़ी ना खाएंगे और का देख ले, मतलब जनता ले जाती है और क्या है भैया, कोई तो फायदा सरकार की तरफ से है ना, अब यही फायदा है और का है भाई, मिलत है तो लीन जात भैया, ये देखो खाली नाला भी बन जाएगा भाई, राशन तो है ना, राशन है, सरकार बेहतर काम कर रही है ना, हाँ फ्री मिलत है, आइए रास्ता की समस्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है और नाले वाली समस्या जो है वो बहुत है, चलना फिरना भी बड़ा दिक्कत भरा है यहाँ पर, ये पूरा जो रास्ता है इसी तरह से है, पूरी इस गांव का जो ये पूरा रास्ता है इसी तरह से है। चाचा चाची काम अब नहीं हुआ यहाँ पे कुछ? अरे रास्ता भैया देख ही लो, पानी ऐसे भरा हुआ, इसे देख लीजिए विधायक जी, क्या काम नहीं, विधायक विधायक सब अपने मतलब मतलब के हैं, जब वाटर होती है तब कहीं दे हमको वाटर, तब कहीं वाटर दे, औरतें मिलकर गए थे पार साल, लेकिन प्रधान आए नहीं, देखने नहीं आते हैं, वोट मांगने आते हैं बस। तो स्थिति जो है इस विधानसभा की और इस गांव की बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है, और कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। भैया आइए, मैं ये पूछ रहा था इसी गांव में रहते हैं आप, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूं और एक ट्यूशन सेंटर में टीचर टीचिंग का काम भी करता हूं। शिक्षक हैं आप? जी जी। ये मैं आपके गांव आया था, देख रहा हूं कि काफी लोग जो है वो रास्ते नाली पानी इन सब से परेशान है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राशन वाशन मिल रहा है, ठीक है चलो, नाले वाली समस्या की शिकायत नहीं की, आप तो शिक्षक हैं, करना चाहिए था। जी बिल्कुल सर, मैंने किया भी और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने किया, इससे पहले जब वो शौचालय फ्री दे रहे थे तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, मतलब सबको सबके यहाँ बन रहे थे, और जो हमारे घैला के जो प्रधान जी हैं वो अपने गांव में जो घैला मतलब जो घैला है वहाँ सबको बनवा रहे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी को भी ध्यान नहीं दिया। माहौल है आपकी बात उत्तर प्रदेश का और आपकी विधानसभा? हमारी देखो हमारी विधानसभा तो यही कहती है कि BSP ही आएगी जहाँ तक। BSP कैसे? BSP का तो सब कह रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ खास है नहीं इस बार। खास होता नहीं है सर, वो हो जाता है बिल्कुल, देखो आप जहाँ भी जाएंगे तो जरूर। डेट भी उन्होंने शायद यहाँ से किसी को उतारा है इस विधानसभा से, कोई नया चेहरा? हाँ नया चेहरा है, एक्चुअली नाम भी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो नया चेहरा है, लेकिन कोशिश यही है कि फिलहाल आएगी BSP। कांग्रेस कह रही है वो बेटी बचाओ, वो बेटी वाला नारा इनका चल रहा है आजकल, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसका कोई फायदा वायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्योंकि मैंने आपके गांव में ज़्यादातर महिलाओं से बात की है और उनकी समस्याएं यहाँ पर ज़्यादा है। जी जी हाँ सर, देखो अरे बेटी जितने भी मतलब यहाँ पे जितने भी नेता थे जो भी थे वो सब यही सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आखिरी में जब वो जीत जाते हैं तो फायदा बस यही। यहाँ इस टीचर हैं आप, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ सर 1 किलोमीटर से कम भी होगा, लेकिन स्कूल की स्थिति बहुत ही ख़राब है, आप अगर देख लेंगे वहाँ पे तो मतलब पढ़ाई बिल्कुल होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बताते रहिए आप समस्या। जी जी। और ये बात है कि यहाँ पे नाली तो आप सारी चीज़ देख ही रहे हैं और सारे पूरे गांव की हालत देख रहे हैं, और जो यहाँ के प्रधान जी हैं वो मतलब जब से वो जीते हुए हैं ज्यादा मुश्किल से 1-2 बार आए होंगे। अच्छा। जी जी विधायक जी का तो पता ही नहीं है, उनका तो कोई पहचानता नहीं, अगर किसी पूछ लेंगे तो आप नाम भी नहीं शायद बता पाएंगे, क्योंकि जब आते ही नहीं, जब उनको कोई वोट तो आप लोगों ने चेहरा देख ही दिया। हाँ सर बिल्कुल दिया था, हमने सोचा भी था कि आएंगे हमारे गांव में कुछ विकास करेंगे कुछ काम करेंगे, लेकिन जैसा हमने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत निकले। गाय भैंस ठीक ठाक है? गाँव गाय भैंस तो सर अभी देखिए जिसके पास थोड़ी जगह है तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जिसके पास जगह नहीं तो उसके पास जिनके पास गाय भैंस थी उन्होंने बेच दी, तो गाय भैंस का बस यही हाल है देख लीजिए। सरकार कह रही है कि गांव में ही सबसे ज्यादा विकास किया, गांव के लोग खुशहाल हैं, गांव में बिजली आने लगी, पानी की समस्या कम हो गई है, किसानों को ठीक ठाक उनका जो पैसा था फसल का वो दिया गया समय समय पर। सर सरकार तो बोल रही, लेकिन सरकार वहाँ नहीं रहती ना, हम लोग आस पास में आप देख लीजिए क्या विकास है गाँव में, विकास का मतलब ये अच्छी नालियाँ हों अच्छी रोड हों तब मानते हैं कि यहाँ विकास है,
लेकिन ना तो नाली सही ना तो रोड सही, और इतनी महंगाई बढ़ रही है और सारी चीज़ ना, तो मतलब यहाँ कोई रोजगार है कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, तो कैसा विकास, किस नाम का विकास होगा? तो नाराजगी है थोड़ी सी इस विधानसभा में, इस गांव में। हम इस विधानसभा के और हिस्सों में जाएंगे और जानेंगे। कहाँ बेच रहे भैया? लहसुन है भाई। क्या दाम है? 100 का 4 किलो। और घर और कैसा चल रहा? ठीक ठाक भैया, चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है मामला। कहाँ रहा तो? बीरमपुर। यही यही धुवैला सरोवर का आगे बीरमपुर। तो ये सरकार राशन वोशन दे रही है तो सब भैया? भैया अरे घर मतलब वही राशन के द्वारा चल रहा, उल्टा सीधा वैसे हम भी चलेंगे ठंडा की, मतलब चाय पानी मतलब कुछ लाना है, बच्चे हैं जिसे छोटे से आज बिस्कुट या कल टॉफी, तो उनको तो कुछ मदद करना चाहिए, गैस मिला नहीं ना, कट रहा है। हाँ चल रहा है, टाइम कट रहा है। चाची घर परिवार कैसा चल रहा है? अरे भैया यह तो ना चल रहा, का किन जाए, यह हिल्ला धंधा जो थोड़ा थोड़ा करें। बता रहे हो नाली वाली की समस्या बहुत है, रोड रोड की समस्या। नाली देख लियो पहले, कूड़ा करकट भरा नहीं नाली में, नहीं कोई नहीं आवत यहाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तुम यहाँ सुबह तक देखो चाहे जहाँ जाओ, सब सरकार कह रही कि सबको एकदम चिन्हित कर करके दिया गया है, सबका दही सी है भाई। पक्के घर में, पक्के घर मिल रहे हैं, जो हमारा पंजन वहां बंगला का और ये तो हमारा ये तो बाउंड्री हुई पार हवा कहूं ना, ये कमरा मिल गया सरकार को, सबका यहां इतना देखियो नहीं रही है। अच्छा तो जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है इस गांव की, और इस गांव के अलावा इस विधानसभा में बाकी जगहों पर भी हम जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गांव सबसे पहला गांव पड़ता है बीकेटी, अगर आप जाइए तो शुरुआत का सबसे पहला गांव यही पड़ता है। इस यहां की जो स्थिति है वो इतनी कुछ खास नहीं, विधायक से लोग नाराज़ हैं, विकास से लोग नाराज़ हैं, विकास नहीं बेहतर तरीके से हुआ है, बच्चों की शिक्षा को लेकर के भी नाराज़ हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो इस गाँव में है उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र मैंने आपको दिखाया, सड़कों का जो बदहाली का तस्वीर है वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ की जो जनता है ने कहीं ना कहीं वो मौजूदा विधायक से नहीं खुश है, लेकिन हाँ कुछ लोग का ये कहना है कि कुछ योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं उन योजनाओं से वो खुश हैं, और उन योजनाओं के विचार पर ही वो आने वाली सरकार को चुन सकते हैं। अब ये देखना होगा कि वो योजनाएं बीती सरकारों की बेहतर थी, जिसमें बसपा सरकार में इस गांव में बिजली आई, या फिर मौजूदा सरकार की जहां पर वो राशन दे रहे हैं और बाकी सुविधाएं इस जनता को, इस गांव की जनता को दे रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं में जाएगी और जायजा करती रहेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।